हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। ये तो हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने और ब्लड सेल्स को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम में से कई लोग कैल्शियम पाने के लिए दूध, चीज, बटर, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद या फिर जिन्हें ये लगता है कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से ही कैल्शियम मिल सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे आप अपने कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे ही खाने की चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होगी। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखें, यदि आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल कम है तो इन खाद्य पदार्थों से मिलने वाले कैल्शियम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी आपके भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो चलिए, अब देर नहीं करते और जानते हैं कि क्या है वो चीजें। दही। हम सादे और खट्टे दही के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर भारतीय घरों में रोजाना तैयार किया जाता है। कई लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है, तो ऐसे में दही खाना बिल्कुल सही रहेगा। इसमें दूध के जितना ही कैल्शियम होता है, बस इसमें चीनी ना मिलाएं। सीताफल खाने में बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है और इसे खाने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन ये कैल्शियम और बाकी पोषक तत्वों से काफी भरपूर होता है। 100 ग्राम कुरकुरे ब्रोकली में आपको 47 ग्राम कैल्शियम मिल सकता है, जो कि बहुत अधिक है। तो अगर आपको कैल्शियम की जरूरत है तो ब्रोकली भी खा सकते हैं। अंजीर आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ना केवल वे कैल्शियम का सोर्स है बल्कि इसमें ढेर सारा फाइबर और आयरन भी मौजूद होता है। साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम भरपूर होता है, चाहे वो ब्रोकली हो या फिर पालक। हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत सारे आवश्यक खनिजों में समृद्ध होती हैं, जिनमें कैल्शियम भी होता है। बादाम भी विटामिन ई और कैल्शियम से समृद्ध होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में अगर इसे खाया जाए तो ये बहुत गर्मी पैदा करते हैं। तो इसे सिर्फ एक मुट्ठी भर ही खाए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही मिले, ना कि इससे कोई नुकसान हो। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके लिए सार्डिन मछली या फिर झींगा काफी अच्छा है। सार्डिन एक सस्ती समुद्री मछली है, जो कि भारत भर में मछली बाजार में मिलती है, और एक सार्डिन में लगभग 33% तक के आपके कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है, इसलिए इसे जरूर खाएं। वही झींगा भी कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन जब आप इसे ओवर कुक कर देते हैं तो इसका कैल्शियम खत्म हो जाता है, तो इसे ज्यादा देर तक ना उबालें। साथ ही केकड़ा भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। केकड़े का मीट मीठा लगता है, जिसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। एक कप केकड़े के मीट में लगभग 123 mg कैल्शियम पाया जाता है। वहीं एक उबले अंडे में भी 50 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा वे प्रोटीन और विटामिन ए से भरे होते हैं। ओट्स कॉर्नफ्लेक्स की तुलना में काफी हेल्दी होते हैं और बहुत महंगे भी नहीं होते। ओट्स में ढेर सारे फाइबर और कैल्शियम होते हैं, तो आप चाहें तो कैल्शियम के लिए ओटमील भी खा सकते हैं। संतरा सर्दियों में खूब खाया जाता है और इसमें कैल्शियम काफी होता है। तिल के एक चम्मच में एक ग्लास दूध के जितना कैल्शियम होता है, तो ये भी काफी फायदेमंद है। तो ये कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।